हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, स्पाइसी तवा फ्राइड फिश। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में स्पाइसी तवा फ्राइड फिश कैसे बनाए। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, आप जब भी कोई भी खाना बनाते हैं तो आपको उसकी कटिंग मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले फिश को कैसे काटना है दिखाने वाला हूं। मैंने लिया है एक फिले, ये देखिए, और इस फिश का नाम है सॉल, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैं हमेशा आला काट में सॉल फिश यूज करता हूं। तो आपने सबसे पहले यहां से देखिए मछली को ऐसे बीच में से काटना है, ये जो फिले होते हैं इनको अलग अलग कर लेना है, देखिए इस तरीके से ऐसे काट लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फिले को ऐसे यहां टेबल पे रखना है, दूसरे को अलग रख देना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बड़ी मछली काटना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैं दो पीस काटूंगा बड़े बड़े, पहले यहां से ऐसे, उसके बाद इसको कर लूंगा एक के दो, ये देखिए ऐसे। हम बनाने वाले हैं स्पाइसी तवा फिश, तो आपने स्पाइसी करने के लिए डालना क्या है आपको मैं ये बताने वाला हूं। तो आपने डालना है चिल्ली पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर बहुत ज्यादा ना डालें, उससे खाना क्या होता है ना थोड़ा कड़वा हो जाता है और बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो आपने रेड चिल्ली पेस्ट डालना है। आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर मछली को डाल देना जो हमने काट के रखी थी। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून भर के चिल्ली पेस्ट और 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। चिल्ली पेस्ट से स्पाइसी होगा और देगी मिर्च पाउडर से क्या होगा, कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून नमक, या फिर आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधे से आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधे से आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधे से आधा टीस्पून गरम मसाला, आधे से आधा टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर, आधा टीस्पून आपने डालना है अजवाइन। पहले आपने हाथ में लेना है इस तरीके से, उसके बाद इसको ऐसे मसलना है और ऐसे मसल के डालना है, ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डालना जरूरी है। ये सारी चीजें डालने के बाद फिर आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने के बाद आपने देखिए ऐसे इसको प्यार से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब आप इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आएगा ना, लाजवाब, देख रहे ना कितना बढ़िया कलर आ गया, इतना अच्छा कलर आया है चिल्ली पेस्ट की मदद से, और हमने इसमें देगी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मस्त कलर आ गया बिना कलर डाले। अगर आप भी चाहते हैं आपके तवा फिश में ऐसा कलर आए तो आपने क्या करना है, चिल्ली पेस्ट बनाना है। चिल्ली पेस्ट बनाने का तरीका है, आपने मिर्च को भिगा देना है गर्म पानी में या फिर आप उबाल लें और उसको पीसना है, बस और कुछ नहीं करना है। तवा लिया है मैंने, ये हमारे पास होता है और ये क्या है मोटा होता है, तो इसमें आप फिश ग्रिल करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से ग्रिल्ड होती है। आपको दिखाता हूँ कि ये कितना मोटा है, ये देखिए ये 6 mm का तवा है और गैस मैंने एकदम स्लो रखी है, आपने भी ऐसे ही स्लो रखना है, फास्ट गैस ना कर दे नहीं तो क्या होगा मछली जल जाएगी। पहले आपने तवे को गर्म कर लेना है, जब आपका तवा गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें ऐसे तेल डालना है, देखिए इस तरीके से ऐसे, और तेल को ऐसे चारों तरफ घुमा दें, तेल अच्छे से तवे में लग जाए, इस चीज का भी आपने रखना है ध्यान। अब मैं ये डालने वाला हूं तवे के ऊपर, लेकिन आपको डालने से पहले एक चीज बता दूं, आपने मैरिनेट करके मछली को कम से कम आधा घंटा रखना है, उसके बाद ग्रिल करना है। आधा घंटे से पहले ग्रिल ना करें नहीं तो क्या होगा टेस्ट नहीं आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तवे पे आपने डालना कैसे, बोल को एकदम पास रखना और ये देखिए ऐसे उठाना है और ऐसे मसाला लगाना है, पहले इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे मसाला लगा के फिर आपने डालना है, ये देखिए इस तरीके से आपने ऐसे डालना है तवे पे। और आपने एक चीज नोटिस की, अभी आपको बताता हूं, ये देखिए आपने यहाँ सेंटर में नहीं डालना है, थोड़ा इधर उधर डालें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिश तवे पे डालने के बाद आपने तुरंत नहीं पलटना है, 2 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, उसके बाद पतला स्लाइसर लेना है आपने, उससे अच्छी तरीके से इसको पलट। देख रहे ना आप
कितनी अच्छी तरीके से ग्रिल हो रही है फिश। मैंने गैस एकदम स्लो रखी है। आपने करना क्या है, पलटने से पहले ये देखिए ऐसे तेल डालना है दोनों तरफ ऐसे। ये देखिए मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो देसी घी में भी फिश को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने बटर से फ्राई नहीं करना है। बटर क्या होगा, तवे पे जल जाएगा और काला पड़ जाएगा। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये देखिए प्यार से फिश को पलट दूंगा। आपने ऐसे उठाना है और ये देखिए इस तरीके से ऐसे पलट देना है। अब हम दूसरी को भी पलट देंगे। ये देखिए ऐसे प्यार से आपने दोनों फ्राई करना है। आप बीच बीच में तवे को ऐसे घुमाते रहें, उससे क्या होता है ना एक जैसा बढ़िया कलर आता है। आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने कितनी देर ग्रिल करनी है और कितना कलर लेना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने पता है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। फिश पकी या नहीं आपने बिना चाकू डाले ऐसे चेक करनी है। उसके 2 तरीके। पहला तरीका, ये जो आवाज आ रही है ना पानी की, इसका मतलब फिश अभी कच्ची है। दूसरा तरीका, आप बनाएंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा ना, ये मसाला जो इसमें लगा होता है ना वो सब सूख जाता है और फिश गल जाती है, आपको देखने से समझ आ जाता है अगर आप बनाएंगे तो। दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पानी की आवाज आ रही है ना, ये आवाज आना बंद हो जाएगी, मतलब फिश पक चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से। ये है 2 तरीके पहचानने के कि फिश गली या नहीं। अब हमारी फिश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कलर कितना बढ़िया गया। अब मैं आपको ये प्लेट में डाल के दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको पिकअप कराना है। पिकअप कराने से पहले एक ही बात कहूंगा, आपने इसको ढकना नहीं है, बिना ढके आराम से फ्राई करें। ये देखिए कितनी अच्छी फिश हुई है, मतलब बता नहीं सकता, ये आपने मुझे बताना। ये देखिए वाव मजा आ गया, मतलब मैं तो चला बस फटाफट खाने। अब आपने इसके ऊपर सिर्फ डालें धनिए के पत्ते और कुछ ना डालें, बाकी सब कुछ हमने लगाया हुआ है साथ में। अगर वीडियो पसंद आ गया तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको पता है कि आपने क्या करके जाना है, करके जाएं प्लीज़।